क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जिसमें कि ऑप्टिक्स और ये जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों मिस किया गया है। इसमें कहा गया, देयर इज ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, नेग्लेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम एंड एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेज आउट ऑफ द सरफेस इज। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ये वाटर सरफेस है और एक लाइट सोर्स यहां पर रखा गया है, ठीक, तो यहां से जो लाइट जाता है वो तो सीधा पार कर जाता है, फिर ऐसे जाता है ये भी पार कर जाता है, ऐसे जाता है ये पार कर जाता है ना। तो अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगा तो ये पार हो तो जाएगा लेकिन पैरेलल हो जाता है ना। उसी तरह से इधर भी जब ये क्रिटिकल एंगल पर जाता है तो पैरेलल हो जाता है, लेकिन इसके आगे अगर कोई लाइट जाएगा तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कहा जा सकता है एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस होता है, ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना। इसी रीजन से लाइट जो है वो पार करता है और बाकी जो रीजन है इधर से जो लाइट है वो पार नहीं करता है। चूंकि ये पॉइंट सोर्स है तो यहां से लाइट हर तरफ निकलता है। अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बनाऊं, ऐसे एक स्फीयर बनाएंगे ना कुछ इस तरह से, तो यहां से जो लाइट निकलेगा वो हर तरफ जाएगा, लेकिन हर तरफ जाएगा अगर इस कोन में, ये जो कोन बन रहा है एक यहां पर ये कोन बन रहा है, इस कोन के अंदर अगर लाइट जाता है तो वो तो पार कर जाएगा, लेकिन जो बाहर से जा रहा वो पार नहीं करता है। तो हमें तो यही बताना है कि ये जो कोन से जो लाइट पार कर रहा है वो टोटल का कितना परसेंटेज है, टोटल लाइट जो यहां से निकलता है उसका कितना परसेंट लाइट जो है यहां से पार कर रहा है, ये हमें बताना है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं एक सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सपोज ये स्फेयर है ना, ये स्फेयर है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये स्फेरिकल एक कैप लेते हैं, इसका छोटा सा एक पोर्शन हमने काट लिया, ऐसा पोर्शन जो है जो सेंटर पर टू थीटा एंगल बनाता है, टू थीटा एंगल बनाता है मतलब हाफ एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली में चूंकि ये स्फेयर है तो ये जो मैंने दो लाइन बनाई है, ये लाइंस को अगर आप घुमाएंगे तो एक कोन जैसा दिखेगा, है ना, ये कोन जैसा दिखेगा। तो कोन सेंटर पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, उसको हम लोग है ना सॉलिड एंगल कहते हैं। तो एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेट एंगल जो होता है वो सेंटर पर टोटल 2π एंगल बनाता है, प्लेन एंगल सेंटर पर टोटल 2π एंगल बनाता है। जबकि सॉलिड एंगल की बात करें तो एक स्फीयर लिया जाता है, वो स्फीयर जो है सेंटर पर 4π एंगल बनाता है, है ना। तो अगर ये प्लेन एंगल थीटा है तो सॉलिड एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब हाफ एंगल थीटा सबटेंड करने वाला या जो कोण है वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा हुआ है यहां पर। तो जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है 2π 1 cos θ। यहां पर थीटा जो है ये प्लेन एंगल है जो एक प्लेन में आता है, और ये सॉलिड एंगल है, ठीक। ये कहां से आता है, इसका डेरिवेशन हमने कराया अपने वीडियो लेक्चर में। अगर आप मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें इसका डेरिवेशन कराया। पहले इसका एरिया निकालते हैं, है ना, तो इसका एरिया निकालते हैं, ये एरिया कितना सॉलिड एंगल सपरेट करेगा, जो 4πr² उसका स्फीयर का एरिया है, पूरा एरिया जो है 4π स्टे रेडियन का एंगल सपरेट करता है। तो ये जो इसका जो एरिया होगा कितना एंगल सपरेट करता है वो निकाल करके ऐसे निकाला जाता है सॉलिड एंगल। तो अभी हमें यहां पर केवल ये जानना है कि जो कोन है उसका हाफ एंगल थीटा है तो उसका सॉलिड एंगल कितना होगा, है ना, ये सॉलिड एंगल कितना होगा, वो इतना होता है। तो आप देखेंगे यहां से जो लाइट निकल रहा है वो भी इस कोन में जो लाइट जा रहा है वो तो बाहर निकल जाएगा, इस कोन से बाहर अगर कोई लाइट जा रहा है तो उसका TIR हो जाएगा, यानी वापस लौट आएगा, वो बाहर नहीं निकल रहा है वाटर गैस से। तो इसमें पूछा ही गया है कि कितना जो लाइट है वो क्रॉस करेगा, तो हमें पता करना है इस कोन से कितना लाइट क्रॉस कर रहा है। कोन में जितना लाइट जाएगा सब पार कर जाएगा, कोन के बाहर वाला लाइट पार नहीं करेगा, ठीक। तो एक्चुअली में इस सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल यहां का सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल जो है वो यहां का है। अगर मैं इसको थीटा सी मान लेता हूं, हाफ एंगल
थीटा सी, जैसे वहां थीटा था वैसे यहां पर थीटा सी है, ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा, क्यों, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, नॉर्मल है वाटर सरफेस पर दोनों, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा सी, तो ये भी थीटा सी होगा, ठीक। तो ये जो भी कोण है ये कितना सॉलिड एंगल यहां पर बनाएगा, इतना 2π1 cos θc, 2π1 cos θc, ये एंगल ये कोण सबटेंड कर रहा होगा। हमें पता है ये जो यहां से जो एनर्जी निकल, जो लाइट निकल रहा है वो पूरे 4π² रेडियन में डिवाइड हो रहा है, 4π जो है पूरा स्फेयर का है, पूरे स्फेयर पर एनर्जी जा रहा है ना। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो ये जा रहा है 2π1 cos θc, इस रीजन से जाने वाला लाइट पार कर जाएगा, और बाकी टोटल कितना रीजन से लाइट जा रहा था, टोटल जा रहा था 4π² रेडियन से, पूरे स्फीयर से होकर लाइट निकला था, लाइट यहां से निकल रहा था लेकिन केवल यही पार करा, इधर वाला पार नहीं किया। तो ये जो है रेशियो हो गया, ये इमर्जेज लाइट का जो है सॉलिड एंगल, और ये टोटल यहां से जो बाहर, यहां से जो जो है वो पावर निकल रहा है वो वाला ये है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। तो ये पाई पाई कैंसिल, ये हो गया 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 51 cos θc, ये परसेंटेज आ गया, है ना। अब कॉस थीटा सी कैसे निकालें, हमें पता है कि साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल होता है 1/μ, तो 1/μ का वैल्यू यहां पर 4/3 दिया गया है, यानी 3/4 हो जाएगा साइन थीटा सी का वैल्यू। अगर साइन थीटा सी मान लेते हैं ये थीटा सी है, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, है ना, तो ये आ जाएगा √7, है ना। तो यहां से कॉस थीटा सी का वैल्यू आएगा √7/4, तो यहां पर रखेंगे 50 × 1 √7/4, तो ये जो है ये लगभग 17% आएगा, है ना। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहां पर लिखा नहीं है, आप देखेंगे एक ऑप्शन होगा शायद थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि 17% दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा।